नमस्कार का फिर स्वागत है आपको टुडेज के हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ एक बेहद ही अहम खबर के साथ। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में कहा है कि मोदी और शाह की नीयत और नीति दोनों खराब हैं। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह की जोड़ी को देश के लिए खतरनाक बताते हुए आरोप लगाया है कि जिस तरीके से उन्होंने बिना सोचे समझे और किसी से पूछे बगैर नोटबंदी की थी, उससे यह साफ जाहिर होता है कि या तो उनकी नीयत और नीति खराब है या उनकी सोच बुरी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव देश के लिए बहुत अहम है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मोदी और शाह की जोड़ी को बाहर का रास्ता दिखा दें। केजरीवाल रविवार को फरीदाबाद के बरखल विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे और उन्होंने रैली में लोगों को संबोधित करते हुए दिल्ली में स्कूल और अस्पतालों का जिक्र किया और कांग्रेस एवं भाजपा पर जोरदार निशाना साधते हुए हरियाणा सरकार की खामियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में दिल्ली में जो काम कांग्रेस और भाजपा नहीं कर पाई है, उनकी पार्टी ने वह काम दिल्ली में सिर्फ 4 साल में कर दिखाया है। कांग्रेस और भाजपा ने पिछले 70 साल में देश को लूटा है और अब भी लूट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के स्कूल और अस्पताल आज अच्छी हालत में हैं। यही नहीं, 10 लाख रुपए तक के ऑपरेशन भी मुफ्त में किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में आम आदमी को आज डॉक्टर मौजूद मिलते हैं और इलाज भी मुफ्त मिलता है। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल अपने पुराने फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और हरियाणा में फरीदाबाद में जोरदार रैली के साथ मोदी सरकार पर निशाना साध दिख रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आज दिल्ली में 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है, लेकिन हरियाणा में 7 रुपये यूनिट बिजली दी जा रही है। पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने हरियाणा की जनता से अपील की है कि आने वाला लोकसभा चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी शाह की जोड़ी देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिना सोचे और पूछे जिस तरीके से चीज़ें की है, बदलाव किया है, उनसे काफ़ी कुछ पता लगता है कि वो एक सक्षम सरकार नहीं है और जनता को उन्हें सत्ता से बाहर ज़रूर करना चाहिए। तो यह थी हरियाणा से जुड़ा हुआ, फरीदाबाद से जुड़ा हुआ एक बेहद ही अहम खबर, जिसमें कि केजरीवाल खुद प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते नज़र आ रहे हैं और उनका एक अच्छा पकड़ दिख रहा है कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर, और वो ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बाकी पार्टियों से बेहतर प्रदर्शन करने के पक्ष में है या उनके जैसे चीज़ें दिखाई दे रही है, बेहद कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। खैर, हम फिर से हाजिर होंगे नई न्यूज़ के साथ। देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।